इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। जब भी आघूर्ण की बात हो दूरी का गुणांक कर दें। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। जब भी आघूर्ण की बात हो दूरी का गुणांक कर दें। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। जब भी आघूर्ण की बात हो दूरी का गुणांक कर दें। जब भी आघूर्ण की बात होगी प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम, कोई एक आवेश वो उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, और उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। ये माइनस क्यू चार्ज है क्यू इंटू टू है, वेक्टर भी लगा दो चार्ज स्केलर है उस पर वेक्टर नहीं आएगा, कोई भी एक चार्ज डायरेक्शन मैथ्स में जैसे चलते हैं माइनस जीरो प्लस, डायरेक्शन इसकी क्या है दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लिया, वन एंगस्ट्रॉम पे रख दिया, डायपोल मोमेंट बताइए। कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। इसमें भी कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों में सॉल्व कर दीजिए आप लोग। डायमेंशन निकाल लीजिए, चार्ज किसके पास है टी आई के पास, एल टी ए। डायमेंशन लिख लें, चार्ज टी ए, चार्ज टी ए, कौशल श्रीवास सॉल्व करें। टी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, इसका एक यूनिट डिवे भी होता है, वैसे तो कूलम इनटू मीटर हो गया। अगर कभी ये पूछ ले क्वेश्चन आ जाए डिवे किसका यूनिट है डिवे, तो डिवे यूनिट है डायपोल मूवमेंट।
डिवे या डिवाई भी बोल देते हैं। डिवे किसका यूनिट है? डिवे डायपोल मोमेंट का यूनिट है। डिवे डायपोल मोमेंट का यूनिट है। हाँ आंसर लाइए इन दोनों का, आंसर लाइए। आंसर लाइए। आंसर लाइए। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, Q इंटू टू एल, ये जो डिस्टेंस दी जाती है टू का मल्टीप्लाई मत करना, ये जो डिस्टेंस दी जाती है वो टू एल का मल्टीप्लाई मत करना, वो टू एल ही है। ट्वेल्व का मल्टीप्लाई नहीं करना, जो डिस्टेंस दी गई है वो ट्वेल्व ही है। ये देखिए इसको भी सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व कर लो, 12 का मल्टीप्लाई मत करना, कोई भी एक चार्ज इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, 2.4 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम याद होना चाहिए 10^-10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर साइज ऑफ एटम, कूलाम इंटू मीटर, जो डिस्टेंस डिवाई नहीं बोल सकते, इसको डिवाई नहीं कह सकते, डिवाई इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, डिवे नहीं बोल सकते, डिवे इज द यूनिट ऑफ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, कूलाम इनटू मीटर डिवे के बराबर नहीं होता, कूलाम इनटू मीटर डिवे के बराबर नहीं होता। हाँ बस आप तो याद रखना डिवे भी इसका यूनिट है, डिवे इज द यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट, डिवे किसका यूनिट है? डायपोल मूवमेंट का यूनिट है। अब हेडिंग बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, मिटा रहे हैं, डायरेक्शन याद रखना माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन होता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। लाइक करने के लिए क्यों बोलना पड़ता है? कर दिया करें लाइक, लाइक नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और प्रत्येक चैप्टर को प्रैक्टिस के साथ कराया जा रहा है जिससे आपको दिक्कत ना आए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साफ सही से नहीं दिख रहा बेटा, हमारे पास भी मोबाइल है उसमें साफ दिख रहा है। सोनू धाकर बेटा अपने मोबाइल को ही देखो, ये देखिए
कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, ये कोई पॉइंट है, स्मॉल पी से लिख दो, कैपिटल पी से हमने डायपोल मूवमेंट लिखा है, ये पी पॉइंट है जहां पर फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये कितना आएगा, 1/4 pi epsilon 0 के, डाइलेक्ट्रिक तो नीचे ही आता है, कॉस स्क्वायर थीटा और भी क्या, इसको रट लिया जाए, हाँ रट लो, के कुछ नहीं लिया जाए, वन मान लिया करो, के बारे में आप जानते हैं, हटा दो इसको, वन। तो आप ध्यान से देखिए, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यू आ रहा है और भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आ रहा है, जबकि पहले आपने बात कर ली थी पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश, सिंगल चार्ज था ये कोई पॉइंट चार्ज था, तो आपने बताया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, यहां पर आपने एक एक आर बढ़ा दिया, डायपोल देखिए, याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, इसमें तीन लाइन है, एक दो तीन, ई में तीन नजर आया, तीन लिख दो, बी में दो लाइन है, दो लिख दो, पॉइंट में एक कम लिखना, पॉइंट में एक कम लिखना। दूसरा तरीका देखें याद करने का, बी में दो नजर आ गए दो लाइन, ई में तीन लाइन नजर आ गई तीन, ई में तीन नजर आएगा, ई तीन जैसा, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए एक एक कम कर दें। दूसरी बात याद रखना, द्वि में आ रहा है विभव दो, द्वि का मतलब विभव की पावर दो, डायपोल पोटेंशियल के साथ दो आ रहा है, डायपोल पोटेंशियल के साथ दो आ रहा है, पोटेंशियल दो, डायपोल पोटेंशियल दो, द्वि विभव के साथ पावर आ रही है दो, हाँ। लेकिन अगर ये पॉइंट एक्सिस पर है भाई, ये देखिए ये पॉइंट एक्सिस पर है, तो इसका नाम दे दो एक्सियल पोजीशन, और बताओ एंड ऑन कह दो, लॉन्गिट्यूडनल कह दो, अक्षीय स्थिति, ये कैपिटल पी क्या है, कैपिटल पी स्मॉल पी से हम पॉइंट बता रहे हैं, कैपिटल पी है डायपोल मूवमेंट, दो बाबू पहले बातें हुई है इसकी, पहले बातें हुई है, अक्षीय स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति, थीटा जीरो रख दीजिए, चाहो तो एक्सियल के लिए ए लगा दीजिए ए, और ये सॉल्ट डायपोल के लिए है, किसके लिए, सॉल्ट डायपोल छोटा दुद्रो, सॉल्ट डायपोल ही आइडियल डायपोल होता है छोटा, एक्सियल पोजीशन लिख लीजिए, इक्वेटोरियल में क्या होगा निरक्षीय में, इक्वेटोरियल में क्या होगा निरक्षीय में, इक्वेटोरियल देखिए
थीटा 90 रख दीजिए, ध्यान रखना ये पॉइंट की पोजीशन है, ब्रॉड साइड ऑन बी इसी को कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन बी इसी को कहते हैं, इक्वेटोरियल बी कितना आ गया जीरो, बी आपने प्रूफ भी किया होगा, पॉइंट कहां पर है ये देखिए, ये रहा पॉइंट, प्लस के कारण प्लस में होगा, माइनस के कारण माइनस में, डिस्टेंस बराबर है। ट्वेल्थ में आप लोग प्रूफ भी करते हैं, प्रूफ दैट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन इज इक्वल टू जीरो, सिद्ध कीजिए द्विध्रुव के कारण नक्षी स्थिति में विभव जीरो होता है, तो प्लस के कारण प्लस हो जाएगा और माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, तो टोटल भी कितना हो जाएगा जीरो, टोटल भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो एक्सियल में ना तो ई जीरो है ना भी जीरो है, हमने देखा क्या एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल 2:1 लिख लिया है, दो अनुपात एक, यानी एक्सियल में फील्ड इक्वेटोरियल का डबल है, ई अक्षीय बराबर 2 times ई निरक्षीय। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन बोथ केस, विक्रम शर्मा भानु प्रताप क्या है सर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डायपोल, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र व विभव, ट्रांसवर्स क्या लिखा है, ट्रांसवर्स पोजीशन है ये, इक्वेटोरियल भी कहते हैं न्यूट्रल भी कहते हैं, अनुप्रस्थ लंबवत आगे आप अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे भी पढ़ेंगे, मिटा दें, तो आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल में ई तो जीरो नहीं है लेकिन भी जीरो है, इक्वेटोरियल में ई तो जीरो नहीं है भी जीरो है, शिवम तोमर बड़ा चैप्टर है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, बड़ा टॉपिक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराई जा रही है इसलिए टाइम लग रहा है भाई टॉपिकों में। अब देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस भी करानी पड़ रही है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है चैप्टर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले तो चार्ज रेस्ट में, फिर अपन उसे फील्ड में रखेंगे फील्ड लगा देगा फोर्स, क्षेत्र में रख देंगे तो क्षेत्र बल लगा देगा, आवेशित कण की गति, तो हमने एक चार्ज को फील्ड में रखा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर एम ए, ए बराबर क्यू ई अपॉन एम, ये हमने चर्चा कर ली थी, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित भाई पहले तो रेस्ट में था लेकिन अब आपने फील्ड में रखा तो वो एक्सेलरेट हो गया, टी टाइम और वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी ये बात पहले हो गई थी लेकिन अब ये नई बात सुन लीजिए, टी सेकेंड बाद वेग, टी सेकेंड बाद वेग
पी सेकंड बाद वेग, तो आपको पता है फॉर्मूला यू प्लस ए टी क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी, चार्ज पहले कैसा है रेस्ट में, ए की वैल्यू रख दीजिए, यू रेस्ट में हो गया, ये वेलोसिटी आ गई, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, क्या होता है रेखीय संवेग, एम वी मास इंटू वेलोसिटी, क्यू ई टी अपॉन एम, क्यू ई टी मोमेंटम एम बी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्मूले जानते हैं, पी स्क्वायर अपॉन टू एम बी जानते हैं और आप एम बी स्क्वायर भी जानते हैं, क्या दोनों को रट ले? हाँ रट लो। अब एक तीसरा फॉर्मूला एम की वैल्यू बी की वैल्यू रख दीजिए, तो एक नया फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का, तो अभी तक काइनेटिक एनर्जी के आपको दो फॉर्मूले याद थे, अब हम आपको तीसरा फॉर्मूला भी रटवा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूले याद थे? आप एम वी स्क्वायर याद था, पी स्क्वायर अपॉन टू एम याद था, नया फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम। एक बात और याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, वन अपॉन टू एम बी स्क्वायर, एम पॉजिटिव बी का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी के तीन फॉर्मूले, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, वन अपॉन टू एम बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम। डिस्टेंस कितनी कवर्ड कर ली? कवर्ड डिस्टेंस चली गई दूरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह जीरो रख दो, टी इज इक्वल टू टाइम कितना लगा, इतना लगा, क्या टाइम को रट ले? यहां रट लो, रूट टू एस एम क्यू अपॉन क्यू ई, टी इज इक्वल टू रूट टू एस एम अपॉन क्यू ई, क्या ये जो निशान क्यों लगा दिए गए हैं? डबल निशान का मतलब रटना ही है, सिंगल निशान का मतलब याद भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, डबल का मतलब तो रटना ही है। तो रटने वाले फॉर्मूले देखिए फिर से, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर एम, डबल निशान लगा ले जिनको रटना ही पड़ेगा, क्यू ई अपॉन एम, और इलेक्ट्रॉन के लिए ई ई, छोटी ई बड़ी ई अपॉन एम। जिनको याद करना है उन पे निशान लगा लें, जिनको याद करना ही होगा, इस पे निशान नहीं लगाए तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एस क्या है? एस कवर डिस्टेंस, चली गई दूरी। एस क्या है? कवर डिस्टेंस, चली गई दूरी। एस है कवर डिस्टेंस, चली गई दूरी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही जगह क्या लिखोगे, क्यू ई अपॉन एम, एफ बराबर एम, एफ बराबर क्यू, ए बराबर क्यू अपॉन एम, बी बराबर यू प्लस ए टी। लेकिन कभी कभी काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाती है। अंकित गुर्जर नया चैप्टर, अभी टाइम लगेगा, पहले ये तो कंप्लीट कर लिया, अभी नहीं तो चालू किया है,
पुराने वीडियो देख लो, नया हो जाएगा। सनी सॉल्व करते जाए बेटा, नोट्स सब लोग बनाए। क्या आप नोट्स बना रहे हैं? तो जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो दिक्कत में आ जाएंगे। अगर आपको वास्तव में फिजिक्स सीखना है तो नोट्स बना लो। अरे पीडीएफ दे दें, पीडीएफ से नहीं सिलेक्ट हो पाओगे। जो नोट्स बनाएंगे सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिजिक्स में अपन को ये तो बैटरी लगा देते हैं, बोल्ट लगा देते हैं, तब यही वैल्यू क्या आएंगी देखते हैं। बैटरी के साथ बोल्ट ज्यादा दे देते हैं, अभी तो टाइम टाइम नहीं देते, बोल्ट दे देते हैं। ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी। अगर बोल्ट लगाए बोल्ट, तो देखिए बोल्ट लगाते हैं। आप इलेक्ट्रॉन ले लो या कोई क्यू चार्ज ले लो और उस पर बोल्ट लगा दो। क्यू चार्ज लिया और उस पर बोल्ट लगा दिया, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो भागने लगा। तो भी बराबर रूट टू क्यू बी अपॉन एम। एक नया फॉर्मूला, ये तो पहले से जानते थे, ये अब जान लो। इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वोल्ट दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भाग जाता है। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल आवेशित कण का वेग, अब देखिए टाइम नहीं मालूम है, वोल्ट मालूम है। टाइम नहीं मालूम है, वोल्ट मालूम है। बैटरी लगा दी गई, टाइम नहीं मालूम, वोल्ट तो मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन लो और वोल्ट लगा दो। इलेक्ट्रॉन लिया, वोल्ट दिया, या डायरेक्ट क्यू की जगह ई रख दें, और ई अपॉन एम की वैल्यू जानते हैं आप इलेक्ट्रॉन के लिए। ये कहानी है इलेक्ट्रॉन की। नाम तो बताओ, स्पेसिफिक चार्ज, क्या इसको भी रट ले? हां इसको भी रट लो। विशिष्ट आवेश, और कोई शॉर्टकट? हाँ ये है शॉर्टकट, और ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की चाल है, ये इलेक्ट्रॉन की चाल है। भी क्या है? कैपिटल भी, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, रूट टू ई वी अपॉन एम। वी इज इक्वल टू रूट टू ई वी अपॉन एम, 6 × 10⁵ रूट वी। रटना क्या है? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला नया आया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। चार्ज लो, वोल्टेज दो, Q × V, चार्ज × पोटेंशियल डिफरेंस, आवेश × विभवांतर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया या प्रोटॉन लिया, 100 वोल्ट दे दिया, काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्पीड क्या? स्पीड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सेम होगी? नहीं, एनर्जी तो सेम दे रहे हो लेकिन स्पीड सेम नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा। क्यों भागेगा इलेक्ट्रॉन तेज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है। एनर्जी तो बराबर दे दी, एनर्जी बराबर दे दी, फिर भी इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा क्योंकि वो हल्का है। दोनों पर फोर्स बराबर लगा, दोनों को एनर्जी बराबर दी, दोनों को 100 वोल्ट दिया, तब भी इलेक्ट्रॉन तेज भाग जाएगा, क्यों? हल्का है। तो डायरेक्ट आप स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे
6×10^5 वुड बी जितना वोल्ट उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन लिया 100 वोल्ट दिया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल होता तो डबल एनर्जी खींच लेता, अल्फा पार्टिकल होता तो डबल एनर्जी क्यों ले जाता है, क्योंकि उसके पास डबल चार्ज होता है। फॉर अल्फा, अल्फा कण के लिए वही है तो डबल एनर्जी ले जाएगा, क्यों, अरे चार्ज डबल है। अल्फा कण के लिए अलग से लिख ले, अल्फा कण डबल एनर्जी क्यों ले जाएगा, क्योंकि चार्ज डबल है। रटना क्या है, निशान लगे, रूट टू क्यू वी अपॉन एम क्यू वी हाफ एम वी स्क्वायर। क्यू वी एम की वैल्यू दिख नहीं रही, कौन से एम की वैल्यू नहीं दिख रही, अरे भाई हमारे मोबाइल में बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है, क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल है, सब कुछ तो दिख रहा है। ये तो एग्जाम्पल है, 100 वोल्ट लगा दिया, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, बराबर है, क्या फोर्स बराबर है, बराबर है, क्या स्पीड बराबर है, नहीं, स्पीड इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, क्या स्पेसिफिक चार्ज बराबर है, कौन फास्ट चलेगा, अल्फा और इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा। बिठा दे, हाँ मोमेंटम, अगर मोमेंटम पूछ रहे तो मोमेंटम संवेग, वो लीनियर मोमेंटम होता है, एक लाइन वाला रेखीय संवेग। जिन्हें थोड़ा कम समझ में आता है वो पुराने वीडियो भी थोड़ा बहुत देख लिया करें, ये फिजिक्स से बदलती थोड़ी है। जिस भी चैप्टर में दिक्कत आया करे पुराना वीडियो भी देख लिया करे, वो भी काम के हैं, देखते ही नहीं है। आवेश इंटू विभवांतर, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पी बराबर रूट टू एम के, क्या है के, काइनेटिक एनर्जी। आवेश लो, विभवांतर दो, आप क्या करते हैं, एक तार में इलेक्ट्रॉन है, आप उसे वी वोल्ट दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, एक्सलरेट हो जाता है, तो Q इंटू वी, आवेश लो वोल्ट दो, इलेक्ट्रॉन लिया वोल्ट दिया, इलेक्ट्रॉन लिया वोल्ट दिया, तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और वोल्ट देते हैं, इलेक्ट्रॉन लिया वोल्ट दिया। आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखिए, स्थितिज ऊर्जा, तो आपको पता है जब भी किसी सिस्टम पे वर्क किया जाता है उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे आपने एक स्प्रिंग को दबा दिया, एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। आप एक पत्थर को छत पे रखा है, पानी को डैम में भरा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तीर कमान को खींच दिया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। चाबी वाली घड़ी में चाबी को घुमा दिया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो अपन किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो अपनी एनर्जी कम हो जाती है और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। तो नए वीडियो में अपन थोड़ा प्रैक्टिस लेके आए, पुराने वीडियो में उतनी प्रैक्टिस नहीं है। और पुराने वीडियो हमने क्लासरूम में बनाए थे, हमारी क्लास के स्टूडेंट वीडियो बनाते समय बहुत आवाज करते थे, तो पुराने वीडियो में आवाज खराब है, नए वीडियो में यह समस्या आएगी नहीं, हमारे छात्र अब उद्यम नहीं कर सकते, करना तो अभी भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। पोटेंशियल एनर्जी, यह देखिए, ये चार्ज लेके आई इन्फाइनाइट से, एक और पकड़ के ले आओ चार्ज को इन्फाइनाइट से, ये दो चार्ज लाके यहां बांध दिए, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखो इनके डेरिवेशन करने का तरीका अलग है,
और हम सॉल्ट में कर देते हैं, यू से लिख दिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मत बोलना, एनर्जी में केवल R बोलना, पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो यह क्वेश्चन आता है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। कभी कभी सिस्टम दे दिया जाएगा, जैसे यह सिस्टम दे दिया, वन टू थ्री, टोटल यू वन टू, टू थ्री, थ्री वन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। सिग्मा का मतलब हम समझ गए, सबका सम हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर ऐसा ट्राइंगल है, वन टू थ्री, तो यू टोटल अगर ऐसा है, वन टू थ्री, यू टोटल थ्री वन। लेकिन कभी स्क्वायर दिया जाए, हालांकि स्क्वायर वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर पूछ ले तो भी तैयार हैं हम। इसमें डायगोनल भी लेंगे, बना लीजिए। रटना क्या है वो बताइए, रटना क्या है वो बताइए, नोट कर लीजिए। हाँ, केवल अगर आपसे एक आ जाए, दो चार्ज एक दूसरे को पास लाए जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं बता पाएंगे भाई। ये बताना जरूरी है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कम हो जाएगी, वो तो अपने आप पास आ जाएंगे। लेकिन दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दो चार्ज पार्टिकल, दो आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? तो अगर चार्ज का नेचर नहीं बताया है तो आप नहीं बता सकते। तो आपको क्या कहना जरूरी है, चार्ज का नेचर बताना जरूरी है, चार्ज का नेचर बताना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताइए भाई, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, दो समान धनावेश प्रत्येक प्लस वन माइक्रो कूलाम वायु में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, फर्स्ट का आंसर बताइए, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन माइक्रो कूलम ईच हेल्ड वन मीटर अपार्ट इन एयर। जैसे ही क्वेश्चन आए कुछ बच्चे भाग गए, देखिए सीख रहे नहीं है। वन माइक्रो कूलम के चार्ज हैं, ये भी वन माइक्रो कूलम,
वन माइक्रो कूलम, और रखे कितनी दूरी पर है, वन मीटर पर। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्यू वन क्यू टू सॉल्व नहीं करना पड़े। अरे भाई सॉल्व तो करना पड़ेगा ही, क्यू वन क्यू टू माइक्रो माइक्रो अगला क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए। फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। थोड़ा सा अक्षर छोटे होते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप चिंता ना करें, थोड़ी दिक्कतें आपको झेलनी है और आप फिजिक्स के दमदार स्टूडेंट बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हंड्रेड वोल्ट विभवांतर तथा एक दूसरे से 2 मिलीमीटर दूर स्थित दो क्षैतिज प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, बताइए। आप प्रयास कीजिए, आपके लिए काफी मेहनत की जा रही है, एक लक्ष्य केवल आपकी सफलता। फॉर्मूला हम बताएंगे, सॉल्व आप कर दें, बताइए फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना होता है, क्यू ई की जगह बी अपॉन आर रख दो, सॉल्व करो। फॉर्मूला हम बता देते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्यू ई की जगह बी अपॉन आर, ये आप जानते हैं, क्यू ई रटा है, ई बराबर बी अपॉन आर रटा है, डी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं फोर्स पूछा है, लाइए आंसर। एफ बराबर क्यू ई, सॉल्व कीजिए, बगल में कॉपी या पेज रख लिया करें, केवल मोबाइल पे देखने से काम नहीं चलेगा, वही पढ़े जो सॉल्व करें। सेकंड का ए लेके आए, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना, भी कितना वोल्ट ला रहे हो, कितना वोल्ट, 100 वोल्ट, मिली 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 माइनस तीन, ये देखिए -15 न्यूटन। एफ बराबर क्यू ई, और एफ बराबर क्यू ई, और नए स्टूडेंटों को जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट थोड़ा कोशिश करो, एफ बराबर क्यू ई, ई बराबर बी अपॉन आर, एफ बराबर क्यू ई। अगला क्वेश्चन देखिए, -14 आ रहा है, अरे हमारा आंसर क्यों गलत हो रहा है, अरे ये देखो, ये 3 और 1 4 गड़बड़ काम हो रही है, क्यू बी अपॉन डी, अच्छा 19 में से 5 14 तो बचेगा भाई, ये कौन सी मैथमेटिक्स चल रही है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा दें, आ गया वोल्ट, अगले क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा दें, आ गया वोल्ट, आ गया, अगले क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगाएं। पचास हजार वोल्ट, एक प्रोटॉन को 50,000 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, आप प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 50,000 वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय,
बताइए कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। आंसर बताओ भाई, क्या बात है, आंसर क्यों नहीं बता रहे? छोटू राजपूत ए, 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट क्या है? 50,000 वोल्ट है भाई। पचास हजार इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन में कहां है? 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन में कहां है? ऑप्शन भी देखो, ये सही बात है कि आपका आंसर 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया। पचास हजार वोल्ट ऑप्शन में नहीं है, आंसर तो बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, अरे 50,000 जूल कैसे हो जाएगा? 50,000 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। क्यूबिक, जितना वोल्ट उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसा नहीं है 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, अब ऑप्शन में नहीं है तो 5,000 ही लगा दे या 50,000 जूल लगा दे। नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मालूम है आपको, ये वैल्यू रखी है 50,000। बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व कर लीजिए, बी आएगा, बी आएगा, बहुत बढ़िया। छोटू राजपूत भी, अभी सिंह भी लाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सौ वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित 1 इलेक्ट्रॉन अल्फा कण के संवेगों का अनुपात, अब बताइए। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, √2mk तो ये देखिए p बराबर √2mk। के की जगह रख दो क्यू इंटू वी, के की जगह लिख दो क्यू इंटू वी, √2mk, के की जगह लिख दो क्यू इंटू वी। 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 अल्फा है, इलेक्ट्रॉन और अल्फा, P1/P2, इलेक्ट्रॉन और अल्फा, चार्ज का रिलेशन पता होगा, अल्फा पर चार्ज डबल है, मास का कुछ नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन का मास, अल्फा का मास इंटू टू, टू क्यों आ गया, चार्ज डबल डबल डबल, ए आंसर होगा, इंपॉर्टेंट लगा दे इस पे। पी बराबर
एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, एम अल्फा का मतलब अल्फा का मास, चार्ज डबल है, मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, इलेक्ट्रॉन का 4 टाइम्स नहीं होता। मास जो है प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, इलेक्ट्रॉन का 4 टाइम्स नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अल्फा पार्टिकल है भाई, अल्फा पार्टिकल है, समझ में नहीं आया अजी धाकर, पी बराबर √2mk, के की जगह क्यू भी, के की जगह क्यू भी, पी बराबर √2mk, के की जगह क्यू इंटू भी, पी बराबर √2mk, के की जगह क्यू इंटू भी। अरे इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन अल्फा का मास, चार्ज डबल होता है, चार्ज अल्फा पर कितना होता है डबल, मास 4 टाइम्स होता है लेकिन वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन का डबल का हो चाहे प्रोटॉन का, लेकिन मास तो प्रोटॉन का ही 4 टाइम्स बोलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अल्फा करके संवेगों का अनुपात पूछा है, संवेगों का अनुपात, संवेगों का अनुपात, और अब आपको जो नोट्स भेजे जाएंगे आगे फिजिक्स के और मैथ्स के, इंग्लिश के, सबके नोट्स बनाए गए हैं, वो आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे नहीं देंगे, वहां से बहुत सारे लोग चोरी कर लेते हैं नोट्सों की। हम मेहनत करके बनाते हैं, कई टीचर उन्हें चुरा लेते हैं। बताइए गतिज ऊर्जा आप पूछिए, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, बताइए अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू इंटू वी, क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज डबल ही है, चार्ज डबल है, 70 वोल्ट और 50 वोल्ट, 70 और 50 इसका डिफरेंस है 20, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट 40, अल्फा पार्टिकल में डबल क्यों हुआ, चार्ज डबली है अल्फा पर, अल्फा पर चार्ज कितना होता है डबली डबली डबली, डबली मतलब डबली। 6 देखिए, 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्यू परमाणु के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से 2D दूरी पर रखे हैं, इनके बीच मध्य बिंदु पर विभव पोटेंशियल बीच में पूछा है, ये देखिए एक प्लस है और एक डिट, दोनों ये इसके कारण प्लस में होगा इसके कारण, और इस पॉइंट को अगर यहां रख दोगे तो इक्वेटोरियल बन जाएगा लक्ष्य, उस पर भी 0, दूरी समान है, चार्ज भी समान है, बस प्लस और माइनस का अंतर है, ई 0 नहीं होगा, फील्ड 0 नहीं होगा, फील्ड में डायरेक्शन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक खोखले चालक गोले को
एक खोखले चालक गोले को 10 माइक्रो कूलम चार्ज दिया जाता है, अंदर पूछा है। अगर देखिए एक चालक गोला बना लीजिए, एक चालक गोला बना लीजिए और इसको चार्ज दीजिए, ये देखिए ये चार्ज दीजिए, जितना भी देना है 10 माइक्रो कूलम, अंदर चार्ज है क्या? नहीं। लेकिन इस चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में वर्क किया गया होगा बी कांस्टेंट। अभी इस कॉन्सेप्ट पे डिटेल बात होगी। फील्ड बनता किससे? चार्ज से। अंदर चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कहां से आएगा? जीरो। तो ई बराबर जीरो। अगला क्वेश्चन ढंग से प्रिंट नहीं हो पाया हो तो हम यहां लिख रहे हैं 2A पर दो चार्ज क्यू है और तीसरा चार्ज माइनस टू क्यू इनके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी पूछिए। करिए कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। टू इक्वल चार्जेज आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2A, थर्ड चार्ज माइनस टू क्यू प्लेस मिड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी। दूरी 2A पर दो समान आवेश क्यू रखे हैं और तीसरा आवेश माइनस टू क्यू उनके मध्य बिंदु पर रखा है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए। दूरी 2A पर दो समान आवेश क्यू रखे हैं, बताइए सबको, सब स्टूडेंटों को दिए जाएंगे नोट्स। हाँ, सबको दिए जाएंगे नोट्स, फिजिक्स के, मैथ्स के, जीएस के, इंग्लिश के, सबके दिए जाएंगे। हाँ बताइए, राहुल कौशिक माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर कैसे हो सकता है? इसका नाम रखिए 1, 2, 3। अब पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे दिए जाएंगे नोट्स। तो यू टोटल यू 1, 2, 2, 3, 3, 1 सिग्मा क्यू 1 क्यू 2 अपॉन आर, ये फॉर्मूला याद रखना, q1 q2 अपॉन आर 1/4π ε0 q1 q2 अपॉन आर। किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया। हाँ, दूरी में स्क्वायर नहीं भाई, एनर्जी में स्क्वायर क्यों आएगा? q1 q2 माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये देखिए q1 q2 माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए और क्यू स्क्वायर अपॉन 2A, क्यू स्क्वायर अपॉन 2A, तो 1/4π ε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 7/2। कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। टू इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2A, और थर्ड चार्ज माइनस टू क्यू प्लेस्ड बिटवीन देम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूरी 2A पर दो समान आवेश क्यू रखे हैं,
और तीसरा आवेश माइनस टू क्यू इनके मध्य बिंदु पर रखा है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछी है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर अदिश राशि पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, खोखले गोले के अंदर विभव कैसा होता है कांस्टेंट, पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर गोलीय चालक के अंदर विभव कांस्टेंट। ये 1 2 2 3 3 1 कैसे ले रहे हैं, ये तो सिंपल नंबर है, जहां से शुरू होते हैं वहीं पर मैं आ जाओ, 1 से 2 2 से 3 और 3 से 1 1 2 2 3 3 1। आज की बात यहीं तक, जल्दी चैनल पे अपन सारे सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, मैथ्स भी ला रहे हैं, इंग्लिश भी ला रहे हैं, एप्टीट्यूड भी ला रहे हैं, जीएस भी ला रहे हैं 1 अगस्त से। धन्यवाद, सभी के नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, पूरा प्रयास किया जा रहा है आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ना है चैनल से, क्योंकि हम ऐसा पढ़ा रहे हैं वैसा हमें लगता है कि वो अच्छा पढ़ा लेते हम, तो उसको फैलाओ। धन्यवाद, आज की बात यहीं तक।